मलिक कुमार, आज हम बनाएंगे पास्ता। पास्ता बॉईल करने के लिए टीस्पून नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। पास्ते को 10 मिनट बॉईल करेंगे। पास्ता डाल देंगे, ये मेरे पास 300 ग्राम पास्ता है। अब पात को बॉईल कर लिया, एक पैन लेंगे, उसमें 3-4 टेबलस्पून जैतून का तेल डालेंगे। जैतून का तेल डाल दिया, अब टमाटो पेस्ट डालेंगे, आप कोई सा भी ले लें, कोई सा भी डाल लें। तीन टेबल स्पून या अपने जायके के हिसाब से इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे अंडे, ये मेरे पास 3 अंडे हैं। चुटकी पर डालेंगे लहसुन का पाउडर, टेबल स्पून थाइम, हाफ टी स्पून काली मिर्च या अपने जायके के हिसाब से चेक कर लेंगे। साथ ही डालेंगे नमक, नमक भी जायके के हिसाब से मिक्स करेंगे। आप डालेंगे इसमें अपनी पात और इसको करेंगे मिक्स। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब इसको मिक्स करते हैं। तेल मुझे कम लग रहा है, थोड़ा तेल डालेंगे, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है जैतून का तेल। आप नमक मेरे जी इस वक्त चेक कर लें। ये ले, ये मैंने मिक्स कर दिया। टमाटो केचप, नमक, मिर्च अपने जायके के हिसाब से सेट कर लें और बहुत ये लजीज और मज़े का बनता है। तो ट्राई करना, अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।